मेरा नाम सपना गोयल है और फिल्म इंडस्ट्री में मैं पिछले 27 सालों से हूँ। लोग मुझे जानते हैं, मैं कोई रोड पे पड़ी औरत नहीं हूँ। मेरे साथ एक धोखा हुआ, मैं बहुत टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं 8-9 साल से सिंगल मदर हूँ। मैं किस तरह से स्ट्रगल करके बच्चे को बड़ा कर रही हूँ। इस बीच में मेरे साथ इतना गंदा हादसा हुआ है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, मुझे पानी के लिए उसने बहुत फूल भेजे, जो आप लोगों को पता है मैं इंस्टा स्टोरी पे डालती थी, जिस पे लिखा आता था दीवाना। ये वही आदमी है पुनीत त्यागी। इसने मुझे जीता बच्चे को खुश करके, बच्चे को ये भेजो वो भेजो, सब कुछ भेज भाज के, तो मेरे को लगा मेरे बच्चे के लिए कितना अच्छा सोचता है। अब मुझे थोड़ा स्टॉप हो जाना चाहिए, काम से थोड़ा सा दूर होना चाहिए। एक इंसान का सहारा है अम्मा बेटे पे। ये सोच के मैं चुप हो गई। उसने मुझे पा लिया, उसके बाद उसने मेरे को पिछले 2-3 साल से चूतिया बनाया जा रहा है। मैं क्योंकि नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी कैसे टूट गई, कैसे मैं किसी के बहकावे में मैं आ गई, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। उसने मुझे धोखा दिया, मेरे इमोशन के साथ खेला। मेरा मन कर रहा है कि खुद को कुछ कर लूँ, लेकिन नहीं कर सकती मैं। मुझे टाइगर के लिए जिंदा रहना है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ यूपी गवर्नमेंट से, आपको भी इनडायरेक्टली, मैंने बहुत मोदी जी से लेके योगी जी आ रहा, हर यूपी वाले हर एक को मैंने, हर बड़े बड़े मंत्री के कमेंट सेक्शन में जाके देखो, मेरे कमेंट मिलेंगे कि मुझे आपसे किसी की शिकायत करनी है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी मैं सबको टैग करूंगी, रिक्वेस्ट है ऐसे इंसान को पॉलिटिक्स से उठा के फेंको। एक सिंगल मदर, एक माँ के इमोशन से खेला है वो। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे साथ क्या हुआ और कैसे हो गया। मैं टूट रही हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो उसको माफ नहीं करना, क्योंकि उसको सब पता है, मेरी एक्टिविटीज, मेरा सब चीज उसको पता है। मुझे मेरे हमर वो थोड़ा गुंडा टाइप का है, मैंने सुना है वो सहारनपुर में कभी जैसे उसके लोगों ने मुझे बोला, उसकी जो चार लोग उसके साथ घूमते हैं वो उसके हर आयाशी में उसका साथ देते हैं। लेकिन मुझे सब ये अभी इन दिनों इन बिटवीन पता लगा। मैं टूट सी गई हूँ, मैं मेरे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मैं कितनी अच्छी अकेली थी, मैं खुश थी बच्चे के साथ, मेरी जिंदगी आगे बार बार क्यों की। मेरी ना योगी जी से प्रार्थना है कि प्लीज आप उसको उठा के फेंको, वो महानगर अध्यक्ष पुनीत त्यागी, उसको उठा के आप फेंको। उसको कोई खड़ा मत करो, कोई मत करो, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मुझे घबराहट हो रही है मेरे को। प्लीज हेल्प करो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई पैसा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे मुझे इंसाफ चाहिए। उस इंसान को माफ नहीं करना, मेरे इमोशंस के साथ खेला, मेरे बच्चे को ये भेज वो भेज, मेरे को रोज फूल ये भेज वो भेज करके मेरा दिल जीता। मेरे को इतनी खुशी हुई मेरे बच्चे के लिए, उसके सगे बाप ने नहीं सोचा, कम से कम वो बंदा तो सोच रहा मेरे बच्चे के लिए। ये सोच के मैं फिसल गई, उसके बहकावे में आ गई। प्लीज प्लीज योगी जी प्लीज प्लीज उस अध्यक्ष को उठा के फेंकिए, उसको सजा दीजिए। मैं मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, भगवान ने मुझे कर दिया बम्बे में, मैं कमा रही हूँ, बच्चा बड़ा कर रही हूँ, मुझे कुछ लालच नहीं। लेकिन एक मैं भी किसी की माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ। अगर ये लोग बेटी बचाओ बोलने वाले किसी की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा करते हैं, धोखा करते हैं, भावनाओं से कहते हैं, तो ऐसे लोगों को आप कैसे माफ कर सकते हो योगी जी? बहुत बुलडोजर चला लिया आपने लोगों के घरों पे, यहाँ पे मेरी हालत हो गई है। मैं आप मेरी गोलियां देखिए, मैं एक बीपी पेशेंट।
कई बार तो मैं घर में भी हो चुकी और बिल्डिंग वालों ने मेरे को एडमिट किया। मेरे भाभी अभी मेरे को यकीन नहीं हो रहा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे को बच्चे के लिए जीना है, मैं मरना नहीं चाहती। उस पुनीत त्यागी से आप पर ना बदला लीजिए, बहुत बेटी बचाओ बोलते हो ना। मैं भी किसी की बेटी हूँ ना, मैं मेरे बेटे की माँ भी हूँ ना। आया जी के लिए किसी और को क्या करता, मेरे को मेरे मेरे साथ खेला है। मैं नहीं माफ करूंगी, नहीं 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 मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं माफ करूंगी। प्लीज इंसाफ दे दो उसको, उसको हटाओ। मेरा बदला बस यही पूरा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए ना। मुझे उसके फोटो वीडियो कुछ भी वायरल नहीं करने, ना वो संस्कार मेरे पास मेरे को दिए, नहीं मुझे कुछ नहीं करना। मैं अपने सोशल अकाउंट से वीडियो डाल रही हूँ, यही काफी है। मैं कोई स्ट्रगलर रोड पे पड़ी लेडी नहीं हूँ, मेरे को भी दुनिया जानती है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बचा लो मेरे टाइगर के लिए, मेरी जान बचा लो, क्योंकि मैं टूट गई तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। प्लीज मैं ये बहुत दिन से, एक साल से सारे यूपी के मंत्रियों को बोलने के लिए तड़प रही हूँ, कोई रिप्लाई नहीं करता योगी जी। मेरे को बस मेरे बच्चे के लिए बचाओ और उस इंसान को सजा दो जिसका नाम पुनीत त्यागी है, सहारनपुर महानगर अध्यक्ष। प्लीज मोदी जी, योगी जी, प्लीज मेरे बच्चे की खातिर, मेरा बच्चा रे को सोने जैसा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के लिए मुझे जीना है, मेरे बच्चे के लिए मेरे को जीना है, मेरे बच्चे के लिए मुझे जीना है। मेरे को उस इंसान ने तोड़ दिया, मेरी जिंदगी में हादसे क्या कम हुए मेरी जिंदगी में। आज से सारी दुनिया जानती है मेरे साथ 15 साल की उम्र से क्या हुआ, मेरे साथ मेरे दो रिलेशन जो हुआ, मेरा मेरे को जिसने ब्रेक दिया उसने भी क्या किया वो दुनिया जानती है। मेरी जिससे शादी हुई वो शादी 3 साल 2 साल 1.5 साल भी नहीं साथ में रहे, हम सिंगल मदर बन के बच्चे को बड़ा कर रही हूँ। आज सर मैं कैसे मर्द की जिंदगी कॉलर टाइट करके जीऊ, कोई मुझे हाथ नहीं रख सकता। लेकिन इस इंसान ने माइंड गेम खेला बहुत, मेरे को डिस्टर्ब कर दिया है। मैं इतनी एक्टिव लेडी सोशल मीडिया में, लेकिन डिस्टर्ब हो गई हूँ मैं, इसलिए बहुत दूर रह रही हूँ, काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में बस यही घबघब रहा है कि इस इंसान से बदला। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ ना, मुझे कोई क्राइम करना है, मैं गवर्नमेंट से सिर्फ सिफारिश कर रही हूँ, हाथ छोड़ रही हूँ। मेरे बच्चे के लिए बस मेरी जान जरूरी, मगर मैं तभी जी पाऊंगी जब इस इंसान को सजा मिलेगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है योगी जी, प्लीज आप एक्शन जरूर लीजिए, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। मेरे बच्चे को देखिए, मेरे बच्चे को देखिए, मेरे बच्चे के लिए मुझे जीना है योगी जी, मेरे बच्चे के लिए। मेरे से नहीं हो रहा पर्दा, आप प्लीज मेरा प्लीज सपोर्ट कीजिए योगी जी। मैंने सारे मंत्रियों को नॉक किया, कुंवर ब्रिजेश सिंह उनको भी नॉक किया, मेरे के लिए कोई खड़े नहीं है, कोई नहीं खड़े, सब क्या उसके सपोर्ट में खड़े हैं। तो बेटी बचाओ के नारे क्यों लगाते हो, मेरे को आपसे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ दो बस, इंसाफ चाहिए मेरे को। मेरा बच्चे का मुंह देख के हमको इंसाफ दिला दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए भगवान।